जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शंबिका जी ऑल इन। कैसी है मेरी टी फैमिली? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज शेयर करूँ आपका ऑल टाइम फेवरेट मीशो साड़ी हॉल, जो कि सुपर अफोर्डेबल होने वाला है। मोस्ट ऑफ साड़ी जो है वो आपको अंडर 400 मिलने वाली है। सिर्फ एक या दो साड़ी होंगी जो 50,000 रुपए ऊपर होंगी, अदरवाइज सारी साड़ियां जो है वो अंडर 400 होने वाली हैं। और स्टार्टिंग हो रही है आई थिंक 235 या 45 समथिंग से। एंड कलेक्शन सच में बहुत अच्छा है। एक दो साड़ियां हैं जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई, अदरवाइज सारा ही कलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है। स्टार्टिंग में आपको बता दूं, जितने भी प्रोडक्ट आप देखने वाले हैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, प्लस मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। नाउ विदाउट फर्दर यू मूव ऑन द वे, ऑलराइट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्टिंग करें बहुत ही सस्ती साड़ी के साथ में। सबसे पहले आप कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना ज्यादा अच्छा है। ये इसका ब्लाउज पीस है और इसके ऊपर इस तरह का आपको ये लाइक इस तरह का वर्क मिल जाता है, जो कि बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे करके देखा था, ठीक है, तो इसमें इजीली आपका बन जाएगा। 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है। एंड साड़ी आप देखो प्रॉपर डार्क ग्रीन कलर में आपको मिल जाएगी। इसका फैब्रिक ना लाइक्रा काइंड ऑफ है और पहनने के बाद एकदम आपसे चिपक जाती है। मेन अगर आप थोड़े मोटे भी हैं ना तो इस साड़ी में आप पतले लगने वाले हैं। एंड पहनने के बाद ही कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही, मुझे लग रहा था कि ऐसे ही होगी, ठीक है, देखने में मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन पहनने के बाद जो लुक आया ना, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। इसीलिए मैं हमेशा ही पहले ट्राई ऑन रेडी करती हूँ, उसके बाद ही मैं ये वाला पार्ट शूट करती हूँ, ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या चीज कैसी है। इसकी लंबाई चौड़ाई एकदम परफेक्ट आपको आने वाली है और कुछ इस तरह का इसी में ना सेल्फ वर्क मिल जाता है। फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट है और गर्मी भी नहीं लग रही थी इसमें सच में, तो ये आप ले सकते हैं क्योंकि पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट टाइम शेयर विद यू 9 ब्यूटीफुल लिपस्टिक फॉर माय ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड मामाअर्थ, बिकॉज स्किन के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। अगर आपके होंठ काले हो गए और चैप्ड लिप की प्रॉब्लम आपको हो गई है तो डेफिनेटली आप ये लिप शेड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये मिलकर बने हैं नेचुरल इन्ग्रीडियंट से। मामाअर्थ के जो सभी प्रोडक्ट होते हैं ये हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं और मैं आपको हमेशा ही रेकमेंड करती हूँ, बिकॉज इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं और ये नेचुरली आपकी ब्यूटी को एनहांस करते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि मामाअर्थ एक इंडियन ट्रस्टेड ब्रांड है और अगर आपको मैट लिपस्टिक चाहिए वो भी स्मूथ एंड क्रीमी टेक्सचर के साथ में, तो डेफिनेटली दीज आर परफेक्ट फॉर यू। ये है मामाअर्थ क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विद मुरमुरु बटर एंड विटामिन ई। ये टोटल 9 शेड होने वाले हैं, वन बाय वन सभी के स्वच्छ देखेंगे। उसके लिए मैंने अपने होठों को क्लीन कर लिया है। फर्स्ट शेड इज 01 रूबी क्रस। इट्स अ ट्रू राइट कलर जो कि हर स्किन टोन के लिए परफेक्ट रहने वाला है। टेक्सचर की हम बात करें तो इंटेंस क्रीमी मैट है जो कि लिप्स को ड्राई आउट नहीं करता। नेक्स्ट शेड इज 02 रोज न्यूड जो कि लाइट पिंक स्टोन में और एवरीडे के लिए एकदम परफेक्ट है, बिकॉज ये फ्लेक प्रूफ है, हार्मफुल केमिकल फ्री है, मेड सेफ सर्टिफाइड है एंड एवरीडे के लिए 100% आप इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शेड इज 03 पिंक रोज एंड ये जो शेड है ये वेरी फेयर टू डस्क स्किन के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। एंड ये जो लिप शेड है 8 आवर्स तक स्टे करते हैं एंड इनका टेक्स्चर ओ माई गॉड ये मैट में है एंड क्रीमी है, बिल्कुल भी होठों को ड्राई आउट नहीं करते, इसका ये प्लस पॉइंट है एंड मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। एंड नेक्स्ट है 04 मोव ब्लूम जो कि परफेक्ट है, अगेन वेरी फेयर टू डस्की स्किन के लिए। एंड आपने देखा होगा सुषमा सेन इस तरह के कलर बहुत ज्यादा लगाती हैं। कैमरे पे थोड़ा सा यहाँ पे लाइट शो हो रहा है बट एक्चुअल में इसका कलर बहुत ज्यादा प्रीटी है। एंड नेक्स्ट शेड इज 05 ट्यूलिप मैजेंटा जो कि आप मुझे मोस्ट ऑफ टाइम कैरी करते हुए देखते हो और आप लोग पूछते भी है दी कौन सा शेड लगाया है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। ओ माई गॉड कितना ज्यादा सुंदर लगता है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट शेड इज 06 एप्रिकॉट टॉप और ये वाला शेड ओ माई गॉड, अगर आप ब्राउन में कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ शेड देख रहे हैं तो दिस वन परफेक्ट फॉर यू, बिकॉज ये बहुत ज्यादा प्रिटी है एंड आप देख ही सकते हैं कि कितना स्मार्ट लुक आता है आफ्टर अप्लाइंग दिस शेड। नेक्स्ट आई हैव 07 प्लो न्यूड और ये भी ना इसका एक लाइटर शेड आप कह सकते हैं, ये थोड़ा सा डार्क है और ये उससे लाइट है। अगर आपको थोड़ा लाइट चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर दिस एंड और थोड़ा सा लाइट है, अगर आपको लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं तो भी आप इसको लगाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट शेड इज 08 हिबिस्कस न्यूड और जो कि लाइक इसका जो कलर है ना इट्स वेरी गर्लिश एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको पसंद आने वाला है। इफ यू आर कॉलेज गोइंग गर्ल तो डेफिनेटली दिस इज परफेक्ट फॉर यू एंड इसका जो कलर है ना लाइट पिंक एंड कोरल सा शेड है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। एंड नेक्स्ट शेड इज 09 क्रेन बेरी क्रश एंड ओ माई गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा प्रिटी कलर है ये ना, डार्क मरून शेड में आपको मिलेगा एंड इसका कलर ओ माई गॉड, आप गोरे हैं बहुत ज़्यादा फेयर हैं या आप डस्क स्किन टोन या बहुत ज़्यादा डार्क आपकी स्किन है, सभी को सूट करने वाला है एंड मुझे तो सारे ही शेड बहुत ज्यादा पसंद है। आप इनको बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे ही लिंक मिल जाएंगे। मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है मामाअर्थ अमेजन नायका पर्पल फ्लिपकार्ट एंड मामाअर्थ ऐप पर, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप इनको बाय करें mamaearth.in से, बिकॉज वहाँ पर आपको मिलने वाला है 20% कैश का डिस्काउंट जैसा आपको यूज करना है मेरा कूपन विच इज अंबिका 2024 एंड आपके नियर बाय किसी भी स्टोर में मामाअर्थ के प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है। ऑल्सो मामाअर्थ लॉन्च कर चुके अपना ऑफिशियल ऐप जहाँ पर आपको बहुत सही वाले ऑफर एंड डिस्काउंट मिल जाते हैं।
Also, Mamaearth listen to you, so use their product and share your feedback. Recently, they improved their onion shampoo based on your input, and ये अपने product को भी upgrade करते रहते हैं through research and innovation for better quality. इसके बाद आपको 100% प्योर कॉटन में और इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं. मैंने पहले भी आपके शेयर किए हैं और इनका कलर वगैरह भी नहीं निकलता. ये ना खादी कॉटन में आपको मिलेंगी और बिल्कुल इसी तरह से पूरी साड़ी आपको मिल जाती है. और इसमें ना इस तरह से पल्लू में आप देखेंगे ये आपको टैसल्स मिल जाते हैं और आपके पीको के पैसे बचने वाले हैं. एंड फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगा, एकदम सॉफ्ट कॉटन है, खादी कॉटन जिसको कहते हैं. ओवल साड़ी आपको इसी तरह से मिल जाती है और इसमें ना अलग से कोई भी ब्लाउज का पीस नहीं मिला. आई थिंक इसी में अटैच था क्योंकि इसकी प्लेट थोड़ी ज्यादा बन रही थी. इसके बाद जो आपको दिखाने वाली हूँ ये भी आपको 100% प्योर कॉटन में मिल जाती है. इसके साथ में आपको रेड कलर का ब्लाउज मिल जाता है. कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है. एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो कॉटन सिल्क ब्लेंड है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, तो इसको डेफिनेटली आप स्टिच करा सकते हैं. और ये भी ना आपको 80 सेंटीमीटर में मिलेगा. जो ब्लाउज पीस है ना वो मोस्ट ऑफ टाइम 80 सेंटीमीटर में ही आते हैं, उससे ज्यादा तो कम ही होते हैं. एंड इसके साथ जो साड़ी आपको दी गई, कलर आप देखो, यहाँ पर कैमरे पे इसका कलर नहीं आ रहा है. बहुत ज्यादा प्यारा इसका कलर, जैसा कि इसका लाइक फोटो होगा ना, जो पिक्चर वहां पे लगा के रखते हैं सेलर, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी. सेम वैसा ही कलर है, उससे भी ज्यादा प्यारा कलर है सच में. और इसपे ना कुछ इस तरह का वर्क आपको मिल जाएगा. ये पर्ल का है, गोल्डन कलर के पर्ल है और ये थ्रेड वर्क है और यहाँ पे गोटा पट्टी का वर्क है. आप पास से देख लो और देखो कुछ इस तरह का कलर है. आपको पास से आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह का कलर है, इस तरह से दिख पा रहा है. देखो वर्क कितना ज्यादा प्यारा है. ये साड़ी में कुछ इस तरह से आपको मिलेगा. जो साड़ी है उसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो आपको प्लेन मिलेगा और जो पल्लू से स्टार्ट होता है वहां पर आपको इस तरह का ये वर्क मिल जाता है साड़ी में. ठीक है, इस तरह से ये इसका पल्लू आपको मिल जाता है. और यहाँ पे भी अगेन आपके पीको के पैसे बचने वाले हैं. इस तरह से पल्लू पे आपको दे रहे हैं. मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी. इस तरह का इसमें बॉर्डर आपको मिल जाता है, टॉप में भी है, बॉटम में भी. और 100% प्योर कॉटन में आपको साड़ी मिल जाती है. ठीक है, तो आप चाहें तो डेफिनेटली इसको ले सकते हैं क्योंकि सस्ती और अच्छी साड़ी है. इसके बाद जो आपको दिखाने वाली हूँ, ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी. इसका जो फैब्रिक है ना ये लाइक कॉटन और सिल्क ब्लेंड है, क्वालिटी काफी अच्छी है और कोई जज नहीं करने वाला कि इतने कम प्राइस में. इसका कलर कॉम्बिनेशन देखो. और मैंने ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ इसको स्टाइल किया तो अच्छी लग रही थी. इस कलर का मेरे पास ब्लाउज था बट मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया जिसकी वजह से मुझे सारे ब्लाउज बहुत टाइट आ रहे थे. तो बस अभी मैं कोशिश करने में लगी हुई हूँ कि कुछ भी करके मैं अपने पुराने साइज में वापस आ जाऊँ. आप देखो इसमें ना इस तरह से इसका ब्लाउज पीस मिल जाता है. मैं तो ये बोल रही हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन कितने अच्छे से मैच किए हैं और इतने कम प्राइस की साड़ियों में. ये देखो, तो अगर आप ये साड़ी ले रहे हो तो इसके साथ में इसको स्टिच करा लेना क्योंकि बहुत सुंदर लगने वाली है. और साड़ी का कलर आप देखो, ट्राय ऑन में इसका कलर आपको समझ में आएगा, बहुत प्यारा कलर है. और पूरी साड़ी पे इस तरह के गोल्डन कलर के लीफ बने हुए हैं. ये ना काफी गर्लिश लुक दे रही थी, मुझे लग नहीं रहा था कि इस तरह का लुक आएगा. इसमें बहुत प्यारा लुक आया ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ में. मैंने आई थिंक इसको दो कलर के ब्लाउज के साथ में मिक्स एंड मैच किया है बट ये ब्लैक के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा था. एंड ये इसका पल्लू आपको मिल जाता है. ठीक है, बहुत सिंपल सोवर सी साड़ी बट पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी. साड़ियों की लंबाई चौड़ाई एकदम परफेक्ट, किसी भी साड़ी की लंबाई चौड़ाई मुझे कम नहीं लगी. अगर ऐसा होता तो मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर करती थी. ठीक है, एंड ये नेट की साड़ी ये भी आपको अंडर 400 मिलने वाले. दैट्स द रीजन मैं सभी के स्क्रीन शॉट लगा रही हूँ कि जिस प्राइस में मैंने बाय की है. ये ना अच्छी क्वालिटी का नेट है, गुड क्वालिटी है. एंड जो वर्क है वो भी आप देख लो, अच्छा फिनिशिंग के साथ में किया गया है. एंड यहाँ पर आपको कुछ इस कलर का पाइपिंग काइंड ऑफ वर्क मिल जाता है. सी ओवल साड़ी में ना इस तरह की बूटीदार आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है डुअल शेड में, जो कि काफी अच्छी लग रही थी. इसका जो कलर है ना थोड़ा सा ग्रे स्टोन पे है जिसकी वजह से काफी अच्छा लुक आ रहा था. और ये कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना प्यारा मिला के दिया है उन्होंने, डाल दिया है. ये इसमें भी आपको सेम इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है. सी 80 सेंटीमीटर का ही पीस है, कॉटन एंड सिल्क इसका फैब्रिक है. इसके बाद जो आपको दिखाने वाली हूँ ये भी साड़ी आपको नेट में मिल जाती है. इसके साथ में आपको ये ब्लाउज का पीस मिल जाता है. एंड इसकी भी नेट की क्वालिटी और इसका वर्क काफी अच्छा है. सस्ती और अच्छी साड़ी है. आप देखो कितनी फिनिशिंग के साथ में वर्क किया गया है. सी कलर आप देखिए, ओवल साड़ी में आपको इस तरह का बॉर्डर काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है और साड़ी में आपको इस तरह से बूटियां काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है. पूरी साड़ी आपको इस तरह से मिलने वाली है. नेट की क्वालिटी की बात हो तो काफी अच्छी नेट की क्वालिटी है. एंड इसके साथ में आपको ये ब्लाउज का पीस मिल जाता है, जो कि अगेन सभी का जो फैब्रिक है ना ब्लाउज पीस का वो इसी तरह से मिल रहा है, कॉटन एंड सिल्क ब्लेंड है. ठीक है, और ये इस तरह से इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी दी गई है. राइट, इसके बाद जो आपको दिखाने वाली, मैं आपको बोलूंगी अगर आपके पास ब्लैक कलर नहीं है तो डेफिनेटली गो फॉर दिस कलर बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा था ब्लैक कलर. मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने अभी ना बहुत सारी साड़ियां ब्लैक कलर में दिखाई थी.
सो मुझे लगा कि चलो इस बार ऑरेंज लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑरेंज कलर में साड़ी नहीं थी। इस तरह से इसमें ना ये बॉर्डर काइंड ऑफ इसका पैटर्न मिल जाता है, इसमें ना फॉल भी लगाने की जरूरत नहीं है। और ये वर्क आप देखो, एम्ब्रॉयडरी कितनी ज्यादा अच्छी है, मतलब ये वर्क बहुत फिनिशिंग के साथ में किया गया है। कोई भी जज नहीं करेगा इतने कम प्राइस में ओवर साड़ी में आपको ना इसी तरह का ये वर्क मिल जाता है। सी और साइड में आप देखेंगे बॉटम में इस तरह की लेस की डिटेलिंग मिल जाती है, पर्ल का लेस है ये। और यहाँ पर भी जो पार्ट आएगा ना इस तरह से, यहाँ पर भी आपको ऊपर ये वर्क मिल जाता है। राइट, काफी अच्छी मुझे लगी। और इसके साथ में जो ब्लाउज का पीस दे रहे हैं इसका फैब्रिक भी सेम आपको कॉटन सिल्क ब्लेंड मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। इसके बाद जो आपको दिखाने वाली हूँ, ये साड़ी काफी सस्ती और अच्छी साड़ी है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये साड़ी पहनने के बाद इतना अच्छा लुक देगी। ब्लैक कलर के साथ मैंने इसको पहन लिया था, क्योंकि रेड कलर का ब्लाउज मैंने पहना था ना अभी दूसरी साड़ी के साथ में, वो मुझे इतना टाइट था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं इसको निकाल के फेंक दूं। फिर मैंने ब्लैक कलर के साथ इसको मिक्स एंड मैच कर दिया, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आफ्टर वेयरिंग कैसे लग रही थी। इसका जो फैब्रिक है ना वो लाइक है सॉफ्ट कॉटन और सिल्क ब्लेंड, एंड जो बनारसी पैटर्न होता है ना कुछ उस तरह की ये साड़ी है। ये आई नो कि ये रेप्लिका ही होते हैं इस तरह का, अगर ओरिजिनल पीस आप लोगों तो वो काफी कॉस्टली होता है, क्योंकि बनारसी साड़ी मेरे पास है तो लाइक 7 या 6 या 8 थाउजेंड इस तरह से होती है, जो अच्छी क्वालिटी की साड़ियां होती है। ये जस्ट उसका रेप्लिका है, बिकॉज फैब्रिक इसका काफी सॉफ्ट और पहनने के बाद लुक भी अच्छा आ रहा था और इजिली ड्रैप भी हो गया। और इसी में अटैच ना ये आपको ब्लाउज का पीस मिल जाता है। ये जो ब्लाउज का पीस दे रहे हैं ना, ये फैब्रिक इतना अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा रिच क्वालिटी का है, मतलब अच्छा लगेगा आपको ब्लाउज स्टिच होने के बाद। और ये इसका इसी में ये पल्लू मिल जाता है। और ये साड़ी मुझे इतनी प्यारी लग रही थी पिक्चर में, और एक्चुअल में भी अच्छी है, लेकिन इसका फैब्रिक इतना ज्यादा खड़ा है, ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी उस टाइम में साड़ियां पहनती थी रिवाइव, जब ज्यादा लग जाता था तो ऐसे खड़ा खड़ा कपड़ा हो जाता था, ये उस तरह की साड़ी हो गई। ये 100% कॉटन में है और उसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा कैमरे पर, ट्राई ऑन में भी मैंने बड़ी मुश्किल से दिखाया। इसको एक बार वॉश करके पहन लेना तो ये आपको अच्छी लगेगी, वरना अदरवाइज बनने में ना इसको बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे। और ये ना 100% कॉटन में है, इसका ये बॉर्डर भी काफी अच्छा है, पूरी साड़ी पे इस तरह की बूटियां आपको मिल जाती हैं। और कुछ नहीं साड़ी में खास, बस इतने ही है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल ओवर टुडेज वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाना, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन या सजेशन अपने आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पे चल रहा गिव अवे, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, जस्ट आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना #CMBKJAllinOne, जिससे मुझे पता चल सके कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। और बहुत जल्दी मैं गिव अवे विनर्स के अनाउंसमेंट कर दूंगी, कभी भी कर सकती हूँ। मैं सोची हूँ अभी लाइक 70K हो जाए मैं तभी करूँ, क्योंकि हो ही जाएंगे अगर आप लोग चाहोगे तो। आज के लिए इतने ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।